अब क्या कर सकते हैं इनका? गुड मॉर्निंग, अब क्या गुड मॉर्निंग बोले? देख रहे हो क्या हो रहा है देश का? सब सोए पड़े हैं, खुद में उलझे हुए। अब इस एमएलए को ही देखिए, चार चार केस चल रहे हैं फिर भी चुनाव लड़ रहा है। पता नहीं कैसे पार्टी का टिकट मिल गया और अपनी गुंडागर्दी से पिछला इलेक्शन भी जीत गया, इस बार भी जीत जाएगा। कोई कुछ बोले तो घर से उठवा लेता है। वो रिपोर्टर रमेश तो याद होगा ही, सिर्फ एक आर्टिकल लिखा था, अब खुद आर्टिकल बन गया है। करते कुछ नहीं, खाते मुफ्त में सरकार का है, और पैसा किसका? हमारा, जनता का। पर हम कर भी क्या सकते हैं, आम आदमी तो बिल्कुल लाचार है। म्युनिसिपैलिटी से मंत्री तक सब एक जैसे हैं। अब हम मिडिल क्लास लोग इन मंत्रियों से लड़ें कि अपने घर और बच्चों को देखें? आपने बहुत देर लगा दी, चाय बना दूं? आप ठीक तो हो? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। खूबसूरत से लम्हे आइसक्रीम खाई होगी। पापा ने dabar sumeta bu bolas met fantasy football and kind of got a little bit of a hello a very good evening to you from pura finish karna theek hai suniye main soch rahi thi kuch din hum shaurya ko mummy ke ghar chhod aaye in sab se dur rahega to theek rahega aam aadmi ka chhod tu har aam aadmi ki hoti hai और चुनाव में भी आम आदमी के। पापा ये आम आदमी कौन है? जज साहब ने सीधे सीधे उन्होंने फैसला सुनाया आम आदमी।
मैं हूं आम आदमी, हम सब हैं आम आदमी। देखा जाए तो आम आदमी बस एक सोच है जो खुद किसी भी जिम्मेदारी को नहीं लेता, लेकिन जिम्मेदार हर चीज के लिए होता है। हम भीड़ का सिर्फ एक हिस्सा है जिसका खुद कोई वजूद नहीं होता, लेकिन दूसरों के लिए वो बहुत मायने रखता है। ठीक उस पतंग की तरह जिसको लगता है वो आसमान में आजादी से उड़ रही है, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में है। हमें लगता है हम सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन असल में वही हमें घुमा रहा है। पर हमें आम क्यों कहा जाता है? किसने दिया ये नाम? किसने किया है ये आम और खास का फर्क? हमारी भी एक सोच है, एक आवाज है, और जब जब ये आवाज गूंजती है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य गिर जाता है, सरकारें हिल जाती हैं। हमारे पास उम्मीदों के सिवा और कुछ नहीं होता। लेकिन जब जब हमारा सब्र टूट जाता है तो यही आम आदमी एक क्रांति बन जाता है। उसके बाद आम आदमी जो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, और वो क्रांति बनने के लिए जो साहस चाहिए वो सिर्फ हम में होता है। और वो क्रांति एक वजह बनती है बदलाव की, और बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि सही और गलत में से सही चुनना आसान है, लेकिन दो सही रास्तों में से एक पर चलना हमेशा मुश्किल होता है। पापा पापा जल्दी चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। चलो। हेलो हेलो, सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन। हाँ, आज सुबह जो एमएलए शक्ति सिंह का खून हुआ है वो मैंने किया है, और मैं हाउस नंबर 45 सेक्टर 40 में रहता हूँ। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों किया? क्योंकि अगर भैरों को सुनना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना ही होगा।